हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक और तड़कती भड़कती प्लेस्टेशन 5 की गेम अनबॉक्सिंग की। मतलब बीच में तो भैया कोविड की वजह से हम फिजिकल डिस्क मंगवाना ही छोड़ दिया था, मतलब डिजिटल खरीदता था उसी का रिव्यू कर देता था, बट वापस से वो टाइम आ चुका है जैसे हम प्लेस्टेशन 4 के टाइम पे मस्त मस्त अनबॉक्सिंग किया करते थे और उसका गेम प्ले इंस्टॉल वगैरह करके दिखाता था आपको, कितनी देर लगती है, कितना डेटा डाउनलोड होता है, कितनी देर कॉपी में लगती है। वो जमाना था PS4 का, बट अब जमाना आ गया है PS5 का जिसमें तगड़ी वाली SSD लगी हुई है। तो आज जो हम अनबॉक्स करने वाले हैं वो है भाई PlayStation 5 के लिए Resident Evil 8 या फिर Village। आई नो भाई काफी टाइम पहले ये लॉन्च हुई थी, मैंने मंगवा रखी थी, बट बीच में ट्रिप व्रिप इतनी लगने लगी कि मेरे को टाइम ही नहीं मिला और मैं दिमाग से ही निकल गया भाई कि मैंने डिस्क ले रखी, ना मैं खेला, ना मैंने अनबॉक्सिंग करी, ना शूट करा। मैंने कहा अब करते हैं, देर क्यों करनी है ना। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर अपनी PlayStation 5 में लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे और पूरा गेम प्ले दिखाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, 10-15 हज़ार जितने करना चाहो। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आने वाले टाइम पे किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हो या फिर किन किन गेम्स की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो, मुझे पता रहेगा भैया ऑडियंस को क्या चाहिए, सही बात है कि नहीं है। सबसे पहले तो इसकी पन्नी फाड़ लेते हैं, आधी तो फटी भी पड़ी है, पता नहीं कैसे हट गई। और ये मैंने अमेजोन से मंगवाई है भाई, अब मार्केट वार्केट तो मैं जाता नहीं हूँ, देखो कोविड में तो सिंपल अमेजोन पे मंगवाओ, घर पे आ जाती है 1 डे डिलीवरी के साथ, है ना, कहीं जाना भी नहीं पड़ता, कोविड से भी बचे रहो और मस्त घर बैठे बैठे। हाँ ये है कि 1-2 दिन डिले हो जाती है आने से, बट मिल जाती है भाई, वही काफ़ी है। फ्रंट साइड की बात करी जाए तो ऊपर सेम PS5 लिखा हुआ है जैसे पहले PS4 लिखा आता था, यहाँ पे बना हुआ कैरेक्टर, नीचे लिखा हुआ है विलेज, और ये जो आप सिंबल देख रहे हो सामने ये है 8, मतलब 5, वी का मतलब 5 और 3 डंडे 8, तो रेजिडेंट इविल 8 भी कह सकते हो, विलेज भी कह सकते हो, जो बोलना बोलो भाई। बाकी बैक साइड में यहाँ पर थोड़ा सा समरी लिखी हुई है गेम की, व्हेन अ शॉकिंग इंसिडेंट टीयर्स हिज फैमिली अपार्ट, इथन विंटर्स इज विलिंग टू डू एनीथिंग टू गेट हिज डॉटर बैक बट एट व्हाट कॉस्ट, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क सामने। नीचे आप देख भी सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 8th इंस्टॉलमेंट, मतलब 8th पार्ट है, सिंपल सी बात है, और आगे थोड़ी बहुत और चीजें लिखी हुई है। पर्सनली मुझे तो भाई रेजिडेंट इविल की जितनी भी गेम्स आई है ना बहुत तगड़ी लगती है, थोड़ी सी ना बीच बीच में मुश्किल या बोरिंग हो जाती है जब आपको चीजें ढूंढनी पड़ जाती है, बट अगर आप उन पार्ट्स को कवर कर लोगे ना जल्दी जल्दी या YouTube से मदद ले लोगे थोड़ा ट्यूटोरियल देख के, तो आगे की स्टोरीज इंटरेस्टिंग रहती है और मजा भी खूब आता है। इससे पहले मैंने बहुत पार्ट्स खेले हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है सिंगल प्लेयर गेम है, 30 GB आपको स्टोरेज रिक्वायरमेंट रहेगी, और सबसे बढ़िया चीज जो हैप्टिक फीडबैक है PS5 के कंट्रोलर में वो इसमें आपको इनेबल दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वाइब्रेशन फंक्शन एंड ट्रिगर इफेक्ट सपोर्टेड, मतलब वही ट्रिगर वाला टक 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 मजा आने वाला है शायद से, जैसे मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेली थी ना, गन में मैं क्लिक कर रहा था तो वापिस क्लिक के बाद वो ट्रिगर बाहर की तरफ निकलता था, सेम इस रेजिडेंट इविल में भी लगेगी। तो मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ इसको इंस्टॉल करके खेलने के लिए, क्योंकि हल्का मचा देंगे। अनबॉक्सिंग करने पे राइट साइड में अपनी डिस्क है और लेफ्ट साइड में एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कूपन कोड लिखा हुआ है, ऑब्वियसली वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, कुछ इस तरह से दे रखा है, आपके कुछ करेक्टर शायद से इससे अनलॉक हो जाएंगे जिससे आप खेल पाओगे, तो इसको भी रिडीम कर लूंगा मैं, सही है भाई। और अपनी जो मेन डिस्क है वो कुछ इस तरह से लगती है, ब्लैक कलर में, सामने विलेज लिखा हुआ है और नीचे PS5 की ब्रांडिंग। अनबॉक्सिंग हो गई है, फटाफट से पीछे रखे हुए PlayStation 5 में इसको लगाता हूँ और इंस्टॉलेशन करते हैं। हाई स्पीड SSD है ही अपनी PS5 में, तो झटपट 30 GB तो यूं ही अपना इंस्टॉल हो जाएगा, बाकी देखते हैं डाउनलोड कितना जरूरत पड़ेगी, उसके बाद एक तगड़ा सा गेम प्ले करेंगे। अभी शायद से इसके अंदर ना डेथ लूप डली होगी, क्योंकि मैं 2-4 दिन से यही खेल रहा था, काफी मजा आ रहा था खेलने में, बट आज तो हमने रेजिडेंट इविल विलेज खेलनी है, तो फटाफट से डिस्क लगा दी है मैंने। तो गेम का जो कॉन्टेंट है वो 10.92 GB, वही हाई स्पीड SSD लगी हुई है अपनी PlayStation 5 में, तो 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद करते हैं तड़ाके धड़ार भड़कता हुआ एक खतरनाक वाला गेम प्ले। इतने ना जल्दी जल्दी मैं आपको अपनी गेम्स की कलेक्शन दिखाता हूँ डिजिटल वाली, फिजिकल डिस्क मेरे पास अलग से है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, क्रिकेट 90 है, डेथ लूप है, GTA 5 है, वो तो होनी ही है, गॉड ऑफ वॉर है और अगली रैग्नारोक भी आने वाली है 2022 में, इसके अलावा विलेज है अपने पास, ये जो अभी कर रहे हैं इंस्टॉल, ये तो इंस्टॉल गेम्स थी। अब कलेक्शन में देखो भाई, नाम तो सबके नहीं लूंगा बट इतनी सारी गेम्स है और डिस्क भी मेरे पास काफ़ी सारी है, PlayStation Plus की सब्सक्रिप्शन भी ले रखी है मैंने पूरे 12 महीने वाली, तो जो फ्री गेम्स आती रहती है मंथली वो भी मैं रिडीम करता रहता हूँ। और इस महीने की अगर PlayStation Plus की फ्री गेम्स दिखाऊं ना, देखो PS5 का अलग से है, PS4 की अलग से है, तो PS5 पे क्लिक करने पे हमें फ्री मिल रही है भाई Overcooked, तो ये मैं ऐड टू लाइब्रेरी कर लेता हूँ, क्योंकि अपने लिए तो फ्री है ना, सब्सक्रिप्शन है अपने पास, बस अभी डाउनलोड नहीं करूंगा, सिर्फ लाइब्रेरी में ऐड कर दिया, तो जब तक मेरे पास PS Plus की सब्सक्रिप्शन रहेगी एक्टिव
तब तक गेम्स रहेगी। अगर ख़त्म होगी एक्टिव सब्सक्रिप्शन तो गेम भी चली जाएगी, फिर मैं वापस जब सब्सक्रिप्शन लूंगा तो वापस गेम्स आ जाएगी। चलाओ PS4 की देख लेते हैं मंथली गेम। ओ भाई हिटमैन 2 है, देख रहे हो 5 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी, तो जल्दी से रिडीम कर लेता हूँ। आप भी कर लो अगर आपके पास है तो PS4 PS5 में से कुछ भी। अलावा एक और है PS4 की गेम जो कि है प्रीडेटर हंटिंग ग्राउंड। हाँ सही है, इस बार हिटमैन 2 मिल रही है, और की चाहिए। तो ये 3 गेम्स थी, और कुछ डिस्काउंट वगैरह भी चलते रहते हैं गेम्स पे, आप चेकआउट करते रहना। इस वीडियो में नहीं बताऊंगा अपनी, ये वीडियो तो रहने वाली है किसके ऊपर, रेजिडेंट एविल विलेज। बस 69% हो ही गई है, तो 2-3 मिनट और लगेंगे। गेम अपनी इंस्टॉल हो चुकी है, प्ले करने का टाइम आ गया है। प्लेस्टेशन 5 पे मैं पहली रेजिडेंट एविल गेम खेल रहा हूँ। इससे पहले मैंने बहुत गेम्स खेली है रेजिडेंट एविल सीरीज की प्लेस्टेशन 4 के टाइम पे भी, बट इसमें देखना पड़ेगा भाई ग्राफिक्स प्लस में ये जो एडेप्टिव ट्रिगर्स वाला फीचर है ना, किस तरह से काम आता है गन्स चलाने में। सब टाइटल जरूर ऑन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चलता रहे क्या चल रहा है गेम में, स्टोरी मोड में। फाइनली स्टार्ट हो गई है, सुनते हैं पहले अच्छे से। My name? Ethan Winters. Ethan ये लास्ट वाली बायो हजार्ड वाली, वहां से स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। Something happened at the Baker house. I was looking for my wife who disappeared. I got an email from her. She told me to come get her. And of course, that's how I ended up in the middle of nowhere, Louisiana. I found Mia being held captive in a dark basement. She wasn't thinking right. She attacked me like some kind of wild animal. Later on, I found out that she was infected by a special kind of mold. I looked all over the house trying to find a vaccine. ये पुरानी स्टोरी है, मतलब इसमें कुछ भूत भूत का सीन नहीं था, इसमें क्या था एक केमिकल के थ्रू इन्फेक्शन मतलब कुछ डाल देते थे इंसानों के अंदर और वो फिर ज़ॉम्बीज टाइप का बिहेव करने लगते थे। ये देखो, the source of the infection was a bioweapon that looked like a bioweapon tha ha ek tarah ka. Her name was Evelyn. I fought the fucked up family and was able to treat Mia's symptoms with a serum. To last mein ye dekha hi hoga, humne usko giant ko maar diya tha and saved the both of us. Inko rescue kar liya gaya tha aur bacha liya gaya tha fir end mein. खेलना लास्ट पार्ट अच्छा है यार, बायोहैजार्ड मजा आया था मुझे काफी। Is that enough? I really don't want to talk about what happened anymore. अब इसके बाद क्या होता है वो भी मुझे नहीं पता, वो जानना है मेरे को भी। It's all over now. Village, Resident Evil. तो स्टोरी उसके आगे से ही देखते हैं क्या कंटिन्यू रहेगी। डिफिकल्टी थोड़ी इजी रखेंगे भाई इसमें, क्योंकि मुश्किल हो जाता है बहुत। एक तो वैसे ही दिमाग लगा के कभी कभी ढूंढनी पड़ती है चीजें बहुत ज्यादा। विलेज ऑफ शेडोज। A young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. The story suna rahe hai abhi proper. The forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, child, quench your thirst, he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. अच्छा, अब ये कुछ बन जाएगी मुझे लग रहा है। Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a. ये तो पता, जिन्होंने हैरी पॉटर देखी है ना, वो वाली स्टोरी लग रही है Deathly Hallows की, वो जो 3 मौत के तोहफे थे, उसी तरह का कुछ फीलिंग आ रही है ना। देखिए आपने तो बताना मुझे जरा। Hoping a boat she found would carry her home, but hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the fish king appeared. Tisra. And offered one of his many fins. Come, child, eat your fill. So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was
another gift. इंटरेस्टिंग लग रही है यार, है ना, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है. The horse grew angry and summoned the other monsters. ओ भाई, वो तेरी चारों इसके पास आ गए. Heart as the wild wind rose around the beast. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal. भाई साहब, क्या सही स्टोरी है. मैं ज्यादा एक्साइटिंग हूँ भाई, आगे क्या है इसके बाद. तो ये स्टोरी सुना रही है अपने उसके बच्चे को. सो गए वो. खतरनाक ग्राफिक्स है यार, बहुत खतरनाक. मजा आ रहा है. मैं अभी 2K मॉनिटर में खेल रहा हूँ प्लेस्टेशन 5 के थ्रू, बट काफी सही है. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it. Thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not... Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. ये मेरे को लग रहा है थोड़ी सनकी हो गई है लास्ट स्टोरी के बाद. बहुत सही ग्राफिक्स है यार, मजा आ रहा है. स्टोरी लाइन भी तगड़ी लग रही है, कुछ अच्छी सी निकलेगी. Your mother doesn't want to remember it. I can't blame her. चले भाई सुलाने के लिए इसको. Nothing. I'll put her down. सुनाई देगा भाई सब उसे. कहाँ पे रूम इसका? डाउन. अच्छा डाउन बोला था ना, नीचे जाना है मतलब कहीं. क्या बेसमेंट में सुलाते हैं क्या अपने बच्चों को भाई साहब? यहाँ से तो नहीं है ये. क्या Mia makes everything by hand, ना so stuff keeps नीचे ही जाना होगा मेरे हिसाब से, तो वही वाला रास्ता है. अरे तो यार ये बहुत चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी पड़ती है ध्यान से, तभी आगे जाके रास्ते मिलते हैं. अगर ये गलती से कुछ भी छूट जाए ना तो दिक्कत हो जाती है. तो हम नीचे जाना है ऊपर जाना है ये नहीं समझ आ रहा. इसका कमरा कहाँ पर है? सारी गेट खोलने पड़ेंगे. ये तो मेरे ख्याल मेन गेट होगा. Just making sure it's locked. वो उठ गई. शिट. ओ भाई ये तो उठ गई. There, there. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. मुझे पता नहीं ये क्यों फीलिंग आ रही है. वो जो बायो वेपन था उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट अभी भी है उस लड़की पे, और इसकी बेटी पे भी आ गया इफेक्ट. ये मुझे कंफर्म नहीं है. तो बाथरूम है भाई, कहाँ है रूम? ढूंढो फटाफट. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. पहुँच गए यही वाला है. बोल भी रहा ऑलमोस्ट देयर हनी. और ये इसी का कमरा देखो. खिलौने विलौने रख दो भाई. चलो इसको और रख दे पाजी. कहाँ इसका? अच्छा झूले में लेटाना होगा. बेड पे तो अभी छोटी है ना ये ज़्यादा. हाँ देखा झूले पे. चलो जी सो जो. गुड नाइट. तो इसके बाद क्या स्टोरी हुई भाई, वो अगर आप चाहते हो तो बता देना. मैं बनाऊंगा इसका एक गेम प्ले प्रॉपर AJ गेमिंग चैनल पे. अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ना, क्योंकि बहुत हो जाएगा फिर इसी हिसाब से. तो चलो भाई, ये थी रेजिडेंट एविल विलेज या 8 की अनबॉक्सिंग PS5 के लिए. एंड गेम प्ले भी करा हमने 4K में तगड़े वाला. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भैया 10-15,000 लाइक जो करने कर देना. बस लाइक देख के ना खुशी मिलती है थोड़ी अलग सी. और कमेंट्स में बताना आने वाले टाइम पे कैसा कॉन्टेंट देखना चाहते हो, अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो या क्या देखना, गैजेट वैजेट जो है सब करूंगा भैया. चैनल ग्रो करना है, 1 मिलियन पहुंचाने हैं. फटाफट से 8.5 लाख हो गए हैं. ठीक है जी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय. एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका. बाय. Bye.